वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स और बोरोन फैमिली। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 13 एलिमेंट की बात करें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन इज नॉन मेटल व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर मेटल। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49 एंड दिस इज 81। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बेटा, तो 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4s1 बेटा, दिस इज। एंड सिमिलरली बेटा ये क्या हो जाएगा लास्ट में, बेटे इंडियम 31, गैलियम 31 बेटा, 3d10, 4s2 एंड 4s2 बेटा, और 4p1 राइट बेटा। एल्युमिनियम 2p6, 3s2, 3p1, वेरी वेरी सॉरी बेटा। और सिमिलरली इंडियम विल बी 5s2 एंड 5p1 एंड थैलियम विल बी 6s2 एंड 6p1। तो वैलेंस सेल ये है, वैलेंस ऑर्बिटल बेटा। सो दे जनरल आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप ऑफ है NS2 एंड NP1। S में 2 बेटा और P में 1 बेटा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है बेटा, वैलेंसी 3 है बेटा। तो फर्स्ट है बेटा, दे हैव जनरल आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप ऑफ NS2 NP1 वेयर N सेल एंड वैल्यू इज 2 to 6, 2 से 6 है बेटा। सेकेंड बेटा, फिजिकल स्टेट। नंबर 2 बेटा, फिजिकल स्टेट, ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ग्रुप 13 एलिमेंट सारे क्या हैं बेटा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, कोई लिक्विड गैस नहीं है बेटा। थर्ड बेटा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं बेटा इसको, एटॉमिक साइज को ही एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो इन ग्रुप 13 एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीजेज। एक्सेप्शन है बेटा, बोरोन का साइज सबसे छोटा है, उससे बड़ा गैलियम का है, एल्युमिनियम का गैलियम से भी बड़ा, ये एक्सेप्शन है बेटा। फिर इंडियम है बेटा और फिर थैलियम है बेटा। तो गैलियम का साइज क्यों छोटा है एल्युमिनियम से बेटा, क्योंकि गैलियम में इंटरवीनिंग डी ऑर्बिटल आते हैं जिनकी शेप डिफ्यूज होती है, जो पूर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं बेटा, इस वजह से गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा होता है। फोर्थ है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे बेटा आयनिक रेडियस हो जाएगा, ठीक है, आयनिक रेडियस बेटा वही ऑर्डर रहेगा बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा अजीब सा ऑर्डर है बेटा, हमें ध्यान रखना है। वैसे ग्रुप 13 को ना बेटे ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन भी बोलते हैं। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम की है बेटा, उससे ज़्यादा थैलियम की है, इनर्ट पेयर के कारण बताएंगे आगे। फिर है बेटे एल्युमिनियम, गैलियम की एल्युमिनियम से भी ज़्यादा है, साइज छोटा है बेटा। और सबसे ज़्यादा बेटे बोरोन, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। तो ये एक्सेप्शन हो गए और ये एक्सेप्शन हो गए बेटा। मेटलिक करेक्टर की बात करें बेटा, तो ये भी अजीब सा ऑर्डर है भाई, मेटलिक करेक्टर बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। एल्युमिनियम उस ग्रुप में सबसे बढ़िया मेटल मानी गई है बेटा।
तो बोरोन से एल्युमिनियम मेटलिक रिएक्टर इंक्रीज होते हैं, उसके बाद होते हैं बेटा डिक्रीज। ऐसा इनर्ट पेर इफेक्ट आगे बताएंगे बेटा, डिफ्यूज शेप आते हैं डीएनएफ ऑर्बिटल, उनकी वजह से होता है बेटा। सेवन्थ है बेटे डेंसिटी बेटा, तो डेंसिटी में बेटे कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, बोरोन की सबसे कम है, एल्युमिनियम की उससे ज़्यादा है, गैलियम की उससे ज़्यादा है, इंडियम की उससे ज़्यादा, थैलियम की उससे ज़्यादा है बेटा। ग्रुप वन में भी डेंसिटी में एक्सेप्शन है, ग्रुप टू में भी है, बाकी थ्री टू जो ट्वेल्व है उनमें भी है बेटा, फोर्टीन में भी है, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन में नहीं है बेटा, लेकिन इसमें कोई भी, इसमें ऑर्डर बिल्कुल सही है बेटा। फिर हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होती है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, वो भी डिक्रीज होगी, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इरेगुलर ऑर्डर बताई दिया बेटे आपको। नेक्स्ट है बेटा फिजिकल नेचर बेटा, तो फिजिकल नेचर तो ऐसी है बेटे कि हार्ड होते हैं ये, बोरोन सबसे ज़्यादा हार्ड है, उसके बाद हार्डनेस कम हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बेटे कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कुछ इरेगुलरिटी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी वो हम देख लेंगे बेटा। सो दीज आर सम एटॉमिक, इसी तरह से बेटे हम देखें एटॉमिक नंबर भी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है बेटा, एटॉमिक नंबर बेटा जिसको प्रोटोनिक नंबर भी बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एटॉमिक मास भी एटॉमिक प्रॉपर्टी है बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम भी है बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम भी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है बेटे वो इम्पोर्टेंट है, गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम से ज़्यादा होती है, बिकॉज एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, वाई बिकॉज इन गैलियम इंटरवीनिंग डी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट विच हैव डिफ्यूज शेप, डी ऑर्बिटल डिफ्यूज डी ऑर्बिटल विच हैव पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा। थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से ज़्यादा है, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेर इफेक्ट, डिफ्यूज शेप ऑफ डी और डी एन एफ ऑर्बिटल विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डेंसिटी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स और बोरोन फैमिली और बोरोन ग्रुप और बोरोन सेट समझाया होगा। बार बार आपको एक ही बात कही जाती है बेटा, टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो ध्यान से हमें सुनना है, कोई भी डाउट है हम तुरंत पूछेंगे बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे फिर उसको घर जाके हम लर्न करेंगे, रफ नोटबुक में लिख के देखेंगे, फिर हम मनन करेंगे। ऐसा करने से आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से बेटे याद हो जाएगा, आपको लाइफ में न तो उस टॉपिक में बेटे और न ही किसी और सब्जेक्ट की टॉपिक में दिक्कतें नहीं आएगी बेटा। तो थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।